इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते अकोला से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साजिद खान मस्तान खान की चुनावी रैली में ईरान, इराक, आईएसआईएस के झंडे लहराए गए, लेकिन भारतीय झंडा मौजूद नहीं था। कई राइट विंग अकाउंट्स इन्हीं दावों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस लिस्ट में मेघ अपडेट्स, भाजपा समर्थक जितेंद्र प्रताप सिंह, हिंदू पोस्ट, क्रिएटली और मिस्टर सिन्हा शामिल है। हालांकि ये फुटेज अकोला के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लातूर के है। छानबीन करते हुए हमें ये YouTube वीडियो मिला। इसके कैप्शन में बताया गया है कि ये लातूर में ईद के मौके पर निकाली गई बाइक रैली का वीडियो है। ध्यान से देखने पर हमने पाया कि वीडियो में एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया था, लेकिन इसमें आतंकवादी संगठनों के झंडे नहीं थे। यानी कांग्रेस उम्मीदवार की चुनावी रैली में आतंकी संगठनों के फ्लैग्स लहराए जाने का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। अक्सर इस्लामिक झंडों को भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का या फिर आतंकवादी संगठनों का फ्लैग बताया जाता है। हालांकि इन फ्लैग्स के बीच होने वाली उलझन को ध्यान में रखकर अमेरिकी मैगजीन मदर जॉन्स ने इस्लामिक और आतंकी ग्रुप्स के झंडों को लेकर ये डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी। हाल ही में एनसीपी नेता नवाब मलिक की रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने का दावा वायरल हुआ था, लेकिन ऑल्ट न्यूज की जाँच में सामने आया कि वो इस्लामिक झंडा था।